नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ के डालीबाग में माटी कला मेले का आयोजन किया गया है, जहां कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की, देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मिट्टी के बर्तनों को एक स्पेस मिला और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो पहचान मिली है मिट्टी के बर्तनों को, एक अभूतपूर्व है। हमारे साथ तमाम बात करने के लिए जेल मंत्री कारागार विभाग के मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से योगी सरकार में मिट्टी के बर्तनों को एक प्लेटफॉर्म मिला, एक पहचान नहीं मिली, तो किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि आज तो मिट्टी के कुकर भी बन रहे हैं। कुकर ही नहीं, बहुत कुछ बन रहा है। हमारे क्रॉकरी का पूरा सामान बन रहा है मिट्टी का, और उसमें मिट्टी में गुण इतने हैं कि अगर हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें तो हार्ट की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी और कुपोषण से हम बच सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में इतनी पौष्टिकता है। पहले अगर हम देखें 20-30 साल पहले का अगर इतिहास में जाएं, कालखंड में जाएं, तो दूध गर्म होता था मिट्टी की हांडी में, दही रखा जाता मिट्टी की हांडी में, फिर मट्ठा बनता था, मक्खन निकलता था मिट्टी की हांडी में, फिर घी रखा जाता था मिट्टी की हांडी में, अचार मिट्टी की हांडी में लोग रखते थे। वो पद्धति कहीं ना कहीं दूर हुई है और हम तमाम नई बीमारियों से ग्रसित हुए हैं। और मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस पुरातन प्रथा को और लोगों के बीच में दोबारा माटी कला बोर्ड का गठन करके और आगे बढ़ाया है, जिससे ऐसे जो शिल्पी हैं हमारे, उनको रोजगार तो मिला ही है, साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भरण पोषण, वो भी व्यवस्था हुई है, और आम जन को इनका उपयोग करने से बीमारियों से बचने का एक माध्यम बना है। माटी कला मेला का आपने उद्घाटन किया था, आपने नींव रखी थी, आज बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर छू रहा है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और क्या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज मिट्टी के बर्तनों में हो रहा है, इसको किस तरीके गति में आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से खुशी होती है। अपना माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो माटी कला का गठन हुआ और इसे लेकर के जब आगे बढ़ाने का अवसर हमें मिला और ये आगे बढ़ा और उसे ऊंचाइयों पर जाते देखते हुए आगे बढ़ते हुए आत्म संतुष्टि होती है कि जिस काम को हमने आगे बढ़ाया वो आम जन तक पहुंचा है और आम जन उसका उपयोग कर रहा है। एक आखिरी सवाल है कि भी मैं देख रहा था कि तमाम मिट्टी के बर्तन थे, उसमें डिजाइन बंदी बनाए हैं उन डिजाइनों को, तो क्या जो जेल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ MSME को एक जोड़ा गया है, वो कहाँ तक आगे पहुंचेगा? हमने उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को कौशल विकास और MSME से जोड़ा है, इसीलिए जोड़ा है कि 40 साल से नीचे का नौजवान हमारा 80% जेल में है, उसको हम जोड़ रहे हैं। और ये हमारी योजना में है कि हम इसे वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट की योजना से हम जेलों को भी जोड़ें, ये हमारी भी योजना है। एक आपके माध्यम से मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा सभी देश प्रदेशवासियों को कि आगरा की जेल में अभी एक जूता उद्योग लगा है और कैदी जूता बना रहे हैं और उनसे जो भी उनका श्रम होगा वो कैदियों को मिलेगा। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, कि उन कैदियों को के बनाए हुए जूतों को खरीदें और जिससे उनका श्रम बढ़े और उनके वो परिवार के काम आए। शुक्रिया। तो ये थे जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ तौर से कहना था कि जेल में जो बंदी हैं उनको अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़ा गया है और वो आज एक जूते फैक्ट्री भी आगरा में डाल रहे हैं, वो कैदी जूता भी बनाएंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से MSME विभाग में जोड़ा गया है और आज वो बंदी भी कहीं ना कहीं उद्योग पा रहे हैं और आने वाले समय में सभी जेलों में कहीं ना कहीं जो बंदी हैं, जो यूथ हैं, उनको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। याद के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सत्ताधारी सरकार को कुर्सी से हटाने के लिए भले ही विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में हो, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरी कम होती नजर नहीं आ रही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक बोल दिया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सपा उनकी सहयोगी दल बने। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने, कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे आप, पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर
छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले तैयारियों को अच्छी तरह से परखा जा रहा है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने वाला नया मुख्य मार्ग है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे चौड़ा और बड़े मार्ग का निर्माण किया गया है। राम भक्तों को उनके आराध्य तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का खासा महत्व है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए मार्ग के किनारे बसे लोगों की सहमति के बाद दोनों तरफ दीवार को बनाया जा रहा है। मैंने आज सुग्रीव टीला से ये निरीक्षण किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये सीधे भगवान के मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है। जो प्रगति है और जिस निष्ठा से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। एक आज और एक बहुत ही अच्छी या संतोषजनक या उत्साहवर्धक बात यह है कि कलेक्टर साहब ने समझाया कि किस प्रकार दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से वॉल को बनाया जा रहा है और इसके लिए सभी यहाँ के रहने वालों की सहमति प्राप्त करके उनकी जन्मभूमि पथ पे हम लोग उसका फसाद का निर्माण हो रहा है, और चूंकि इसमें एक्सेस कंट्रोल रहेगा तो हम लोगों ने सभी पक्षों से वार्ता करके सहमति प्राप्त कर ली है, कहाँ कहाँ क्या गेट कहाँ खुलेंगे, कहाँ दरवाज़ा रहेगा, कहाँ पे बाउंड्री रहेगी, तो पूरी बात हुई है और सबको एक्सेस हम लोग 100% लोगों को एक्सेस भी दे रहे हैं। अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं एक्सेस रहेगा, तो एक आम सहमति बन चुकी है, उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे और ये काफ़ी अच्छा फसाद बन के आएगा। और जो ये आपका रानी महल है और इधर अमावा है, इसमें भी फसाद का काम होगा तो काफ़ी बेहतर बनके उभर के आएगा। तो सब बातें हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। रामनगरी अयोध्या में जिन अक्षतों से रामलला की पूजा अर्चना की गई, उन्हीं अक्षतों को कलश में भरकर ताज नगरी आगरा लाया गया, जहां सनातन धर्म मंदिर में विधि विधान के साथ हवन पूजन हुआ और जिसके बाद अक्षत कलश को संघ कार्यालय में रखा गया है, जहां से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ब्रज के करीब 12 करोड़ भक्तों तक भगवान राम का यह प्रसाद पहुंचाएंगे। हिंदू परिषद ब्रज प्रांत के 25 जिलों में 266 प्रखंड हैं, 9728 गांवों तक विश्व हिंदू परिषद संघ विचार परिवार के लोग घर घर हिंदू समाज के प्रत्येक घर तक अक्षत पहुंचाने का काम करेंगे और 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन हर व्यक्ति, हर हिंदू समाज का नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग उस अक्षत पूजन के अक्षतों के माध्यम से अपने घर में एक उत्सव का माहौल पैदा हो जिस प्रकार हिंदू समाज 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जब 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय संतों का निर्णय था कि भगवान राम करोड़ों के आराध्य हैं, इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन से पूरा हिंदू समाज जुड़े। राम जानकी रथ के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को जोड़ने का समय आह्वान किया गया और राम जानकी रथ पूरे देश में निकले और राम जानकी रथ के माध्यम से पूरा हिंदू समाज राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा। आज 350 वर्ष के बाद, लाखों राम भक्तों के बलिदान के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। अक्षत्र के माध्यम से फिर भी हिंदू परिषद वज्रंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक हिंदू समाज के बीच में जाएंगे, उनसे आह्वान करेंगे। 22 जनवरी का दिन हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उस दिन भगवान राम अपने महल में पुनः 350 वर्ष के बाद पुनः विराजमान होंगे, इसलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, उसका पूजन किया, अक्षत्र का पूजन किया गया और ये अक्षत्र के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को आमंत्रित करने का काम करेंगे। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में जहां दीपावली से पहले सराफा बाजार में रौनक देखने को मिलती थी, इस बार वो फीकी नजर आ रही है। सराफा बाजार में सन्नाटा है, सोने चांदी की बढ़ती कीमतों से ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एस एम आमिर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दीपावली का त्यौहार और ऐसे हम बात करी जाए सोने चांदी की बाजार में, तो कहीं ना कहीं लोगों को निराशा भी है क्योंकि सोने चांदी के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं और दुकानदार तो परेशान है, मगर जिस तरह से रौनक होती थी सराफा व्यापार में वो कहीं ना कहीं कम है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं सोने चांदी खरीदने के लिए और हम बात करेंगे, ये बताइए इस समय जो सोने चांदी का दाम है किस तरह से क्या है? इस समय सोने चांदी का दाम बढ़ा हुआ है जिसके कारण जो है मार्केट में कस्टमर की कमी है, फिर भी जिनको ज़रूरत पड़ रही है वो आ रहे हैं, चाहे थोड़े ही से खरीद रहे हैं, 10 ग्राम अगर उनको लेना है तो 5 ही ग्राम वो ले रहे हैं। सोना इस समय 61,600 रुपये का भाव है और चांदी का भाव है चांदी का भाव 73,600 रुपये का भाव चल रहा है इस समय। दिवाली नज़दीक है, हम लोगों को काफ़ी आशा थी कि भाव घटेगा, लेकिन भाव बढ़ जाने के कारण जो है कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है, हम लोगों को तो दिक्कत है ही है। सुना ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं दिनेश सिंह, जिन्होंने कहा जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं सोने चांदी के दाम बढ़े मगर निराशा आते, हम ग्राहकों से बात करेंगे, बताइए आप सोना चांदी खरीदने आई हैं कितना सोचना पड़ रहा है इस टाइम महंगाई को? सर बहुत सोचना पड़ता है, जो हम लोग को लेना है 4 ग्राम लेना तो 2 ही ग्राम 2.5 ग्राम में काम चलाने जा रहे हैं सोना चांदी का, इतना बड़ा हुआ है। पर त्यौहार है इस वजह से लेना भी जरूरी है, त्यौहार है, शादियाँ आ रही हैं, अभी हम शादी में भी देना है हम लोग। आप लोग पहले खरीदते थे? नहीं सर, बहुत कम ले रहे हैं, बहुत सोच के समझ के करना पड़ता है खरीदारी। तो सुना जिस तरह से कहीं ना कहीं दुकानदारों को निराशा है तो साथ ही साथ ग्राहकों को भी बड़ा सोचना समझना पड़ रहा है खरीदने से पहले, और जिस तरह से सोने चांदी के दाम है आम इंसान की पहुँच से दूर होता जा रहा है सोना चांदी, अब देखना होगा सोना चांदी के रेट कब का दाम कम होते हैं और जनता को कब राहत मिलती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और मैं आगे बढ़ते हैं जहां शिलान्यास के 23 साल बाद गोमती नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्री की टीम रेल अधिकारियों के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है, ये कहना है पूर्वोत्तर रेलवे के DRM आदित्य कुमार का। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता TN मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरी तेजी से चल रही है, ये करीब दिसंबर के लास्ट वीक तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसकी एक नॉर्थ साइड टर्मिनल जो कहते हैं वो पूरी टर्मिनल बिल्डिंग, उसका ऑलरेडी प्लास्टरिंग और जो भी काम इनिशियल काम है वो सारा पूरा हो गया है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो दिसंबर लास्ट तक ये पूरी हो जाएगी बिल्डिंग। सर यहाँ से कुछ ट्रेनें चलनी हैं, जो है प्लान है कि यहाँ ओरिजिनेटिंग ट्रेनें चलेंगी, वो कब से चलेंगी, कहाँ कहाँ ट्रेनें प्लान में हैं अभी तक? इसका हमने दो जगहों का ट्रेन अभी भेजा हुआ है रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड से अप्रूवल आने के बाद हम शुरू कर पाएंगे। ये एक तो कटरा वैष्णो देवी माता कटरा के यहाँ के लिए हमने प्रपोज किया है और एक और ट्रेन मुंबई के लिए हमने प्रपोज किया है। सर रेल कोच रेस्टोरेंट जो है डिवीजन बना रहा है, तो किन किन स्टेशनों बन रहे हैं, कब तक जो है चालू हो जाएंगे? डिवीजन का पहला रेल कोच जो रेस्टोरेंट है ये गोमती नगर पे ही है, जो तैयार ऑलरेडी है और ये अब मेरे ख्याल से इस हफ्ते चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे सिधौली में एक है और एक गोरखपुर में भी है खुलेगी, और अभी एक बख्शी का तालाब में भी प्रपोजल आया हुआ है हमारे पास, तो तीन चार जगह ये हमारी चालू हो जाएंगी अगले कुछ महीनों में। एक सर यह है कि लगातार ट्रेनों में बहुत भीड़ है इस समय और दिवाली का मौसम है, तो क्या NER कुछ जगह ऐसी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगा रहा है या कोई स्पेशल ट्रेनें प्लान कर रहा है दिवाली के लिए? दिवाली के लिए कई स्पेशल ट्रेनें हैं, करीब गोरखपुर से और लखनऊ से मिलकर 9 स्पेशल ट्रेनें होंगी, प्लस एक्स्ट्रा कोचेज लगाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टिकट काउंटर्स खोले जा रहे हैं RPF और कमर्शियल स्टाफ को, और भारी मात्रा में तैनात किया जा रहा है ताकि जो लोगों की भीड़ हो उसको नियंत्रित की जा सके, तो ये सारी स्टेप्स हम ले रहे हैं अभी। एक चीज़ और पूछनी सर, लखनऊ जंक्शन का और चारबाग का कंपोजिट विकास होना है, तो ये कब तक उम्मीद की जा रही है कि कंपोजिट दोनों स्टेशन एकजुट हो जाएंगे? ये दोनों स्टेशनों का जो कंपोजिट विकास आपने बताया वो नॉर्दर्न रेलवे के एक टेंडर के थ्रू की जा रही है, RLDA ये काम कर रहा है। उसमें लखनऊ जंक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का पार्ट है लखनऊ जंक्शन, उसमें उसका फसाड का कुछ काम है, कुछ जो ऑफिसेज रीलोकेट होंगे वो सब करने हैं, पर हमने अभी एक वर्क प्रपोज किया है ऑलरेडी
जिसमें सारे प्लेटफॉर्म की जो प्लेटफॉर्म फ्लोरिंग है, वहाँ के टॉयलेट्स हैं, वेटिंग रूम है, सब रेनोवेट होंगे। जो कवर शेड है, जो जहाँ जहाँ से खराब स्थिति में है, वो पूरे शेड को हम वापस नए शेड्स लगाएंगे। तो ये काम डिवीजन ही कर रहा है, जिसके लिए एक प्रपोज्ड वर्क है और मेरे ख्याल से अगले साल शुरू हो जाएगी। सर, लखनऊ से जो है नैनीताल के लिए ट्रेन पहले चलती है, नैनीताल एक्सप्रेस, ये डबलिंग हो रही थी आपकी, अमान परिवर्तन हो रहा था आपका, तो ये कब तक पूरा होगा और ये ट्रेन क्या रिस्टोर होंगी? अमान परिवर्तन तो पूरा हो गया है मैलानी तक, यहाँ से लेके लखनऊ से लेके मैलानी तक। मैलानी के बाद जो है वो फॉरेस्ट एरिया की वजह से मीटर गेज में अभी भी है, दुधवा फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो ये जो नैनीताल एक्सप्रेस है, ये मेरे ख्याल से मैलानी से शाहगढ़ पीलीभीत होते हुए जाती थी, तो वो उसमें भी अभी मैलानी से शाहगढ़ वाला सेक्शन हम खोल रहे हैं, इस हफ्ते 9 तारीख को खुल जाएगी वो भी। शागढ़ से माला एक जगह है जो कि अगेन वो फॉरेस्ट की वजह से रुका हुआ है, तो जैसे ही वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसकी मिल जाएगी, वो इज्जत नगर डिवीजन में है, तो वो जैसे ही खोल पाएंगे उसके बाद फिर उस रूट पे पुनः ट्रेन हम कर पाएंगे। थैंक यू। तो ये थे DRM आदित्य कुमार, जिन्होंने बताया डिवीजन में तमाम काम हो रहे हैं जो बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। जहाँ तक चारबाग स्टेशन की बात है, तो चारबाग स्टेशन पर लखनऊ जंक्शन को मिला कंपोजिट प्लान जो होना है वो जल्द ही पूरा किया जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी नॉर्दर्न रेलवे की है। और गोमती नगर से दो जगह ट्रेनें चलनी हैं, तो वो जल्द ही उसका काम होगा और दिसंबर तक गोमती नगर टर्मिनल काम पूरा हो जाएगा। कारवान आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। कानपुर शहर में खुलेआम अवैध रूप से नर्सिंग होम और निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जो खुलेआम मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। हमारे संवाददाता आशीष की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं बिठूर में, जहां पर कई अवैध रूप से हॉस्पिटल और नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कृष्णा मेडिकल सेंटर पे, जहां पर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ना है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि मैंने यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, CMO हैं, इनकी तरफ से अभी तक उस अप्रूवल को पूरा नहीं किया गया हुआ है। यहां पर इसी नर्सिंग होम के नीचे आपको दिखा सकते हैं, हम अपने सहयोगी कहेंगे दिखा दें, ये किसी तरीके से स्वाति डायग्नोसिस है, जहाँ पर जो है मरीजों की जांचें कराई जाती हैं, जहाँ पर जिसका भी अभी तक कोई लाइसेंस नहीं है। और वहाँ पर ये हॉस्पिटल की सेटिंग होती है कि जो भी हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं उनका यहाँ पर जांच कराई जाती है, फर्जी तरीके से जांच करा करके वहाँ पर मरीजों को दिखा करके कि आप ये बीमारियाँ हैं, और वहाँ पर मरीजों को हफ्तों रखा जाता है, जहाँ पर मरीजों से लाखों रुपए की वसूली की जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी गरीब तबके के मरीज आते हैं, जो 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 इस हॉस्पिटल का चार्ज नहीं दे पाते हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर में वो मरीज या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर अपने पेशेंट को खो देते हैं। कानपुर से आशीष कुमार, जनता TV न्यूज। तो वहीं आगरा में परिवहन निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले 18 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें 9 संविदा चालकों और बाकी संविदा और आउटसोर्सिंग परिचालकों को नौकरी से निकाला गया है। संविदा और रेगुलर दोनों ही प्रकार के चालक परिचालकों पर कार्रवाई की गई है। जो लोग बहुत दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे और बार बार बुलाने के बावजूद भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे थे, ऐसे 17 संविदा चालक परिचालकों के संविदा समाप्त की गई है। एक चालक डीजल निकालता हुआ मिला था, किसी बोतल में ले रहा था, उसकी की है। इस प्रकार से कुल 18 संविदा चालक परिचालकों की संविदा समाप्त की गई है। बढ़ता प्रदूषण लगातार लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कानपुर में भी लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन लेवल को लेकर महापौर प्रमिल पांडे ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें प्रदूषण स्तर पर कम करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्नाव में जिला अधिकारी अपूर्वा दुबे ने हक की बात जिला अधिकारी के साथ कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद किया।
और चलिए अब एक नजर दो मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। संत कबीर नगर में किसानों को बेचे जा रहे नकली खाद, साधन सहकारी समिति के सचिव किसानों को बेच रहा था नकली डीएपी। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर, बस ने बाइक सवार समेत कई लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत। बांदा में पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा, पुराने विवाद को लेकर दबंग ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस फायरिंग में रेप के आरोपी को लगी गोली। बाराबंकी में बाबा पर लगा 2 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी घर बंद कर मौके से फरार। बाराबंकी में सड़क हादसे में बाइक सवार सिपाही हुआ घायल, कोतवाली जाते समय हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे का मामला, युवक के चचेरे भाई ने किया अवैध रूप से कब्जा। मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका पर किया हमला, खुद पर भी चाकू से किया वार, पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा के कराईपुरा गांव में ऐतिहासिक कथा का आयोजन, सैकड़ों भक्तों ने लिया हिस्सा। मैनपुरी में न्याय न मिलने पर युवती ने आत्मदाह करने की कोशिश की, दबंग ने की थी छेड़खानी।